हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लो। आई नो मैं बहुत टाइम से बिजी हूँ, कोई वीडियो नहीं आई। इट्स बीन अ मोर देन अ मंथ कि मैंने कोई वीडियो अपने चैनल पर डाली हो, बट बैचेस इतने चल रहे थे। पहले नॉर्मल बैचेस चल रहे थे, फिर क्रैश कोर्सेज आ गए, फिर MET और बाकी कॉलेजेस में एग्जाम्स थे, तो बिल्कुल फुर्सत नहीं हो रही थी। बट एंड आई एम सीरियसली सॉरी कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि ये टॉपिक पे, वो टॉपिक पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने 1935 डाल दिया था, दैट हैज़ क्रॉस्ड मोर देन लाइक, उस पर अभी व्यूज़ हैं समवॉट 5,000 से ऊपर हो गए हैं, एंड थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम 1909 नहीं आई है, 1990 नहीं आई है। सो आई प्रोमिस यू आज अपलोड हो जाएंगी दोनों, प्रोबेबली लाइक अभी 10 बज रहे हैं समवॉट जब मैं शूट कर रही हूँ, सो इट विल बी आउट बाय 1:30। तो आप ज़रूर उसे देख लेना। एंड दिस इज़ अ वीडियो, सबसे ज़्यादा ये आता है कि ठीक है हमने पढ़ाई कर ली है, हमें सब आता है, अब हमारा सिलेबस ख़त्म है, रिवीजन हो गया है, बट द मेन थिंग इज़ कि आपको एग्ज़ाम राइटिंग कैसे करनी है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे एक्चुअली नंबर मिल रहा है। टीचर्स पढ़ते हैं शीट है, आई नॉट से नहीं पढ़ते हैं एंड ऑल दैट ऑब्वियसली, बट हाँ एक राइटिंग का एक तरीका होता है, यू शुड फॉलो दैट, तभी आपको प्रॉपर अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। एंड अभी मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप किसी भी सोर्स को ऐसे ही मत मान लो अनटिल एंड अनलेस वो CCSU ने खुद एक नोटिस के फॉर्म में पब्लिश कराए। और अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी मान रहे हो अगर, तो मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास आया है, ठीक है, या फिर आपने खुद ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है, सो दैट इज़ द ओनली वे, या फिर वेट करो। अभी आज मेरे को एंड एक चीज़ देखा करो कि जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो वो कितने महीने पहले पब्लिश्ड थी, कितने महीने पहले पहले आई थी, कितने सेमेस्टर्स के लिए आई थी, तब क्या सिचुएशन थी, उसके बाद एकेडमिक सेशन चेंज हुआ है या नहीं। टुडे इट वॉज वेरी टेंस्ड कि एग्जाम्स MCQ पैटर्न में हो रहे हैं, तो ऐसा अभी हो सकता है हो ना हो, वी डोंट नो एनीथिंग। हो सकता है 1.5 घंटे के पेपर हो और दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम्स चले, बट हम अभी तक कुछ कह नहीं सकते जब तक एक प्रॉपर ऑथेंटिक जो है नोटिस नहीं आ जाता यूनिवर्सिटी से। अपने आप से चीज़ें अज्यूम कर लेना वो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत रिस्की हो जाएगा। सो बेटर अभी थॉरली पढ़ाई करो, अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करो, रिविजन करो, एंड उसके लिए फिर जब हमने पढ़ लिया है सो वी आर नॉट टेंस्ड, कैसे भी पेपर आएगा हम देख लेंगे, बट हमें तैयारी करनी है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि बच्चे तैयारी कर लेते हैं, पूरे 100 मार्क्स तक पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, बहुत अच्छे से पेपर करते हैं, बट स्टिल वो 260, 270 इतना ही रह जाता है, 300 नहीं क्रॉस कर पाते। आई टेल टू everyone कि प्लीज़ हमेशा एम ये रखो कि आप हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 300 क्रॉस करो, सो दैट फाइनली 60 तो बन ही जाए। अभी तक तो नहीं हुआ है, बट हाँ अभी बार काउंसिल इज ट्राइंग कि वो LLM के लिए जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है उसे 55 से 60 कर दे। तो अगर वो हो जाता है कमिंग ईयर्स में, 4 to 5 या 3 to 4 ईयर्स में, तो ठीक है जो 60 ले आया वो तो कर जाएगा, 55 वाले के लिए एक ऑप्शन और ख़त्म हो जाएगा, जिसके 55 से मतलब 60 से भी कम है, उसके लिए एक ऑप्शन और ख़त्म हो जाएगा, वो LLM भी नहीं कर सकता। सो बेटर कल को पछताएं, आज ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं इस हिसाब से। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि अब तक एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से आता था। 3 सेक्शंस में डिवाइड होता था पेपर, 5 क्वेश्चन आते थे 4-4 मार्क्स के, जो कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको 75 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, दैट वॉज सेक्शन ए। फिर आता है सेक्शन बी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई 2 करने होते हैं, चॉइस होती है। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको 3 करने होते हैं। सेक्शन सी जो है वो कैरी करता है 20 मार्क्स एक क्वेश्चन, 20 मार्क्स ईच। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहली बात तो पेजेस कितने फिल करने हैं। हम सब जानते हैं हमें जो शीट्स मिलती है 32 पेजेस होते हैं, उसके अंदर पूरे के पूरे जो हमें दी जाती है आंसर शीट, एंड आपको वही है आपके पास, अब चाहे उसमें 2 पेज भर के आओ चाहे उसमें 32 भरो, ज़्यादा नहीं मिलेगी उससे कम नहीं होंगे, उतने ही मिलते हैं। ये जो फर्स्ट ईयर वाला जस्ट टेल यू CBSE वगैरह नहीं है, आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पर, आपको जो 32 पेजेस मिले हैं वही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो अब आपको लिखने कितने कितने पेजेस है, पहली बात तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट आप 30 पेज तो लिख ही लो। अब उसमें बहुत लोग हैं लिखने के लिए मैटर बहुत है, हैंड राइटिंग बहुत छोटी है, सो दैट बिकम्स एन इशू, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत होता था कि आता बहुत है मैटर सब कुछ है लेकिन हैंड राइटिंग छोटी है, वो पेज नहीं खींच पाते थे। सो वर्क ऑन दोज थिंग्स,
बाय हुक और बाय क्रुक पेज आपको भरने पड़ेंगे, क्योंकि आप आर्ट्स स्ट्रीम में हो। यहाँ नंबर वैसे ही आते हैं, साइंस नहीं है। डेरिवेशन करी, इक्वल टू एमसी स्क्वायर लिखा और काम हो गया, वो नहीं होगा यहाँ पर। आपको लिखना पड़ेगा, आपको पन्ने भरने पड़ेंगे यहाँ पर। सो जो सेक्शन ए है, 4 नंबर क्वेश्चन है, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक पेज तो समवॉट भर दो उसमें। भरना आपको पड़ेगा, एक पेज तो भरो ही भरो। अब आते हैं, अब अगर आपने एक एक पेज भरा, मैं मिनिमम नंबर बता रही हूँ आपको बी सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। अब इससे ज़्यादा भरोगे वेरी गुड, नहीं है इतने तो मिनिमम है, भर के आने ही पड़ेंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर कम भर के आओगे तो चाहे कितना भी अच्छा मैटर लिख के आओ, नंबर वो नहीं आएंगे एंड यू विल बी स्टक एट 270 एंड 280 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आई हैव फॉलोड दिस थ्रू आउट माई यू नो माई ग्रेजुएशन एंड मेरी 62 बन गई थी विद दैट। और आई जस्ट होप 63, 64, 65 तक जाएँ। 65 पे समवॉट यूनिवर्सिटी टॉपर्स बन जाते हैं, क्योंकि 65 इज़ नॉट ईजी। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, वो दे डोंट नो। ठीक है, आपको इंटरनल्स के मार्क्स नहीं मिलते, प्रैक्टिकल 7 सेम में आता है, उससे पहले प्रैक्टिकल नहीं है, सीधा 6 महीने में 100 मार्क्स का नंबर पेपर दे के आ रहे हो, सो परसेंटेज खींचने में प्रॉब्लम होती है। सो ये मत सोचो कि यू आर नॉट दैट कैपेबल और समथिंग लाइक दैट। नहीं, हम सब लोग एक ही बोट में सेल कर रहे हैं, सबका वही हाल है, सब उसी बैकग्राउंड से, तो परेशान नहीं होना है। अब आती है सेक्शन बी के बारे। तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 2 पेज तो आपको बनने होंगे, फर्स्ट फ्रंट एंड बैक 2 पेजेस। ठीक है, विद कंक्लूजन। यस, 10 और 20 में मैंडेटरी है कि आप कंक्लूजन लिखोगे ही लिखोगे, उसे स्किप करना इज नॉट एन ऑप्शन, लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके 1.5 से 2 नंबर होते हैं, एंड कभी भी जो आंसर है वो 2.5, 3.5 कभी नहीं खत्म करना। क्वेश्चन स्टार्ट हमेशा फ्रेश पेज से होगा, लास्ट क्वेश्चन लास्ट लाइन के एंड तक आपको वर्ड्स लिखने हैं। सो मेक श्योर कि आप ऐसे लिखो कि आप नीचे 4-5 लाइन, 3-4 आधा पेज का नहीं छोड़ना है। प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स बनाओ उसके अंदर। पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, एंड जो लाइक जिनके जो 5th सेम में आ चुके हैं, जिनके पास लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, आप सेक्शन लिख रहे हो ब्लैक पेन से सेक्शन लिखो। आप केस लॉ लिख रहे हो, सेक्शन जो है ब्लैक पेन से लिखोगे सब कुछ, विद AIR वगैरह सब कुछ। यू आर इन 5th सेमेस्टर, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जो है सेक्शंस लिखना छोड़ो या फिर आप इना लीडिंग केस लिखते लिखते आगे बढ़ो। नहीं, अब आपको लिखने पड़ेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब आप वकालत पढ़ रहे हो तो लिखने पड़ेंगे, बच्चा बचने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आपको ही करना है, एंड फिर आपने नंबर याद करने में मेहनत करी है तो उसको बताना है ना टीचर को आपने याद किया, सो मेक श्योर कि वो हाईलाइट हो आपके आंसर। ये करा, अब बात आती है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पे। मिनिमम 6 पेजेस, मैक्स 8। ठीक है, अगर आपने मिनिमम मिनिमम भी भरे हैं तो दिस विल ब्रिंग यू टू द टोटल ऑफ 26 to 27 पेजेस, जो कि ठीक है, इट्स फाइन। उसे ज़्यादा भर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट 26-27 तो भरनी ही पड़ेंगी, उससे कम में स्कोर अच्छा नहीं आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और 10 और 20 नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, और जहाँ पर फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बनाओ। वहाँ पे आपकी शीट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग, मतलब सामने वाले का कोई खोले तो मन करे कि हाँ मैं पढ़ूँ इसको। टीचर को मेहनत नहीं करानी है आंसर शीट पढ़ने में, ठीक है, वो मेहनत नहीं करेगा, वो मेहनत आपको करनी है कि आप इस तरीके से लिखो कि सामने वाले को ज़रूरत ना पड़े अपना दिमाग खर्च करने में, वो देखता जाए और उसका मन करता जाए पढ़ने का। सो यू हैव टू राइट योर आंसर्स लाइक दैट, क्लीन होनी चाहिए शीट, कटिंग ये वो नहीं करनी है। एंड कोशिश करो कि आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जब आपके पेजेस फिक्स हैं, पेजेस छोड़ दो, आप चाहे तो आप सेक्शन सी से स्टार्ट करो, आपको पता है मुझे इतने पेज में लिखना है, तो आप उतने पेजेस छोड़ के आगे आ जाओ, बट जस्ट ट्राई कि आप एक सीक्वेंस में करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आई हैव फॉलोड दिस एंड थोड़ी शीट ईजी हो जाती है पढ़नी, इट्स जस्ट दैट। और कोई भी क्वेश्चन हो, सो यू आर फ्री टू कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम मैंशन होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ई मेल आई डी होगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप वो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है
वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। सो कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो, एंड जब तक यूनिवर्सिटी से ऑथेंटिक नोटिस नहीं आ जाता है तो उससे पहले इधर उधर पड़ी खबरों को मत मानो, जब वहाँ से आएगा तब मानो, उससे पहले डोंट गो। एंड प्रोबेबली एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 30th Jan, क्योंकि जो पहले एकेडमिक कैलेंडर इशू हुआ था उसमें सेमेस्टर की जो डेट थी एग्जामिनेशन की वो 30/1/2022 लिखी हुई थी, तो प्रोबेबली 30th Jan से एग्जाम्स हैं। सो आज 20th है, जस्ट यू हैव 9 days, 10वें दिन तो पेपर है। सो जस्ट पुल अप योर सॉक्स, ऑल द बेस्ट, कोई डाउट है कुछ है तो लेट मी नो, एंड यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम यू वांट। चलो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्रोबेबली नाउ आई प्रॉमिस कि आज शाम तक वीडियोज आ जाएंगे।